हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्राइविंग मोटर्स। तो भाई आज की हमारी वीडियो रहने वाली है क्रेटा और इग्निस के बीच में ड्रैग रेस के ऊपर। थोड़ी बहुत भाई विंड नॉइस आ रही होगी क्योंकि हवा आज काफ़ी तेज चल रही है। तो भाई ये हमारी पेट्रोल है क्रेटा 1.5 जिसमें क्या आता है 113 bhp और 153 nm का टॉर्क। और इसमें इग्निस में भी हमारा पेट्रोल वाला है 1.2 चार सिलेंडर वाला 82 bhp और 113 nm का टॉर्क। हालांकि भाई पावर फिगर्स में काफ़ी फर्क है, लेकिन ये गाड़ी ना छोटा पैक बड़ा धमाका भाई, इसका परफॉर्मेंस में अलग ही है। मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस आती है ना भागती बहुत है ये। तो आज हम देखेंगे क्रेटा को क्या ये पीछे छोड़ पाती है, फिर क्रेटा इसको पीछे छोड़ेगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कार में दोनों में हमारे बिल्कुल स्ट्रोक अलॉयज हैं, आप देख सकते हैं। और कार हमारी ये भी 7000 रन रखी है और वो अराउंड 12-13000 रखी है, तो रनिंग में भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। और टायर प्रेशर वगैरह हमने सब में दोनों में सेम करवा लिया था। तो अब रिजल्ट की बारी है, हमारा ट्रैक आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें देखेंगे फिर हमारी कौन सी गाड़ी जीतती है, स्टार्टिंग में भी देखेंगे और लास्ट में भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन में कौन सी आगे निकलती है। बाकी मेरे हिसाब से भाई इग्निस निकलेगी, क्योंकि एक तो ये छोटी गाड़ी है और ऊपर से भाई इसकी जो ट्यूनिंग कर रखी है ना मारुति ने, एक नंबर कर रखी है। एक बारी आप इस गाड़ी को चला के देखना, अगर किसी भाई ने नहीं चलाई हो ना, तो ये बहुत बढ़िया भागती है। वो हल्का सा ना स्टार्टिंग में दबती है, ये चीज़ इग्निस में नहीं है, ये दबती नहीं है बिल्कुल, ये स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया भागती है। तो चलिए अपने फर्स्ट राउंड को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रही भाई हमारी साइड में इग्निस, तो अपने राउंड को स्टार्ट करते हैं। एसी हम ऑफ कर लेते हैं अपना, और उन भाई का भी मैं एसी ऑफ करवा देता हूँ। तो भाई हमारा उस गाड़ी का भी एसी ऑफ है और इसका भी एसी ऑफ है, दोनों कार हमने बराबर कर ली थी। तो अब हम अपनी इस रेस को स्टार्ट करते हैं, थर्ड और रन पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई ये देखिए इग्निस भाई हमारी पीछे रह गई है। इस राउंड की विनर भाई हमारी है क्रेटा पेट्रोल। तो अब यहां से हम दोबारा एक राउंड स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा था यार वो आगे निकलेगी, पर पता नहीं वो आगे क्यों नहीं निकली। तो एक बार मैंने इसको ड्राइवर इंटरचेंज और कर लेता हूँ, हो सकता है भाई से वो सही उठी नहीं हो। तो एक बार ड्राइवर इंटरचेंज कर लेते हैं, यहीं से चलेंगे हम वापस दोबारा। तो अब यहां से हम वापस एक बार ले चलेंगे दोनों कार को। बाकी रोड आप देख सकते हैं सही है, रोड में इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, ट्रैक्शन सही मिल जाता है इसको, गाड़ी को ज़्यादा फील स्पिन भी नहीं होते। तो एक बारी मैं ना ड्राइवर इंटरचेंज कर लेता हूं, मैं एक बारी इग्निस ड्राइव करूंगा, फिर देखते हैं हमारा प्रॉपर क्या रिजल्ट निकल के आता है। अभी तो भाई फर्स्ट राउंड में हमारी क्रेटा ही जीती है, क्रेटा पेट्रोल। तो अब आ गया भाई मैं इग्निस के अंदर। तो एसी वगैरह हमारा इसका भी ऑफ है, एसी हमारी क्रेटा का भी ऑफ है। तो हमारे सेकंड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमने कार बिल्कुल इक्वल कर ली। अब मैं देखूंगा भाई इग्निस में क्या कुछ पावर हमें निकाल के देती है, हालांकि भाई क्रेटा का पिकअप भी काफी बढ़िया है। तो अपना भाई सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो भाग रही भाई इग्निस में हमारी बढ़िया। तो इस बारी भाई क्रेटा को पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं क्रेटा को इस बारी पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत ज्यादा। तो इस राउंड की विनर भाई हमारी इग्निस ही है। मैं एक बारी पूछ लेता हूँ भाई से, शायद वो उठ ही नहीं थी सही टाइम पे। तो एक बारी दोबारा कर लेंगे हम यहाँ से अपना राउंड, रिजल्ट तो बिल्कुल फाइनल निकाल लेंगे भाई। दो राउंड तो हो गए, एक में इग्निस जीती है, एक में हमारी क्रेटा जीती है। अब होगा हमारा फाइनल राउंड, फाइनल राउंड पता चल जाएगा किसमें कितना आया दम। हालांकि भाई ये छोटा पैकेट ही बढ़िया भागता है, बढ़िया काम करता है ये भी। तो अब हम अपना लास्ट राउंड कर लेते हैं एक बारी। तो इसमें सेकंड राउंड में भाई ने ना थोड़ी रेस छोड़ दी थी सेकंड गियर में बता रहे वो, कोई नहीं हम अब अपना थर्ड राउंड दोबारा कर लेते हैं, फिर तो पता ही चल जाएगा। तो भाई इस बारी भी क्रेटा पीछे रह गई है। इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस है, एक नंबर भाग रही है। तो पता नहीं फर्स्ट राउंड में क्यों हारी थी, सेकंड और थर्ड राउंड तो भाई इसने जीती ले बिल्कुल आराम से। एक बार ही और करते हैं अब हम। तो ये होने जा रहा भाई हमारा फोर्थ और फाइनल राउंड होपफुली। भाई इस बारी मेरा एसी भी होना है,
ये देखो मेरा एसी भी हुआ, लेकिन क्रेटा ने भाई कवर कर दिया, कवर कर दिया भाई क्रेटा ने, बहुत कवर कर दिया, बहुत कवर कर दिया भाई क्रेटा ने, लेकिन फिर भी, लेकिन भाई हमारी विनर इसमें इग्निस ही है। इग्निस भाई हमारी ड्रैग रेस की विनर है, क्रेटा और इग्निस के बीच में ड्रैग होगी तो भाई हमारी इग्निस ही जीतेगी। अब पता नहीं फर्स्ट राउंड में कैसे क्रेटा जीती थी, हो सकता है उन भाई से इग्निस सही नहीं भागी हो, तो भाई इस राउंड में भी हमारे फोर्थ राउंड में भी इग्निस जीती है, तो हमारी ड्रैग रेस जब क्रेटा और इग्निस के बीच में होगी तो हमारी विनर क्रेटा ही होगी। इग्निस भाई बढ़िया परफॉर्म करती है, वो है ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में दबती है, उसके बाद थर्ड गियर में भाई वो कवर कर लेती है क्रेटा, लेकिन जब तक एक गैप सही बना देती है, और ट्रैक इतना लंबा नहीं था तो वरना थर्ड गियर में वो इसको आराम से पकड़ लेती है, इग्निस को पीछे छोड़ देती। तो यही थी हमारी आज की एक वीडियो क्रेटा और इग्निस के बीच में ड्रैग रेस की, जिसकी विनर है हमारी इग्निस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।